मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है, इनका श्रेय हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर राजभवन के समक्ष धरना देते हुए केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू कराने की मांग की गई है। बढ़ती जनसंख्या के कारण देश में गरीबी, बेरोजगारी सहित कई गंभीर समस्याओं से लोग पीड़ित है। उसके बारे में कम से कम आवाज तो उठा रहे थे हम लोग, बाकी कहा गया है अकेला चना झाड़ नहीं फोड़ता, तो जब तक संगठित नहीं, आज प्रण लीजिए कि हम जीवन में रोजी रोटी सबका चलता है, सब आदमी, एक जानवर भी अपना पेट भर लेता है, हम लोग तो फिर भी इंसान है, तो क्या पेट भरना परिवार है कि पूरा सनातन समाज का रक्षा करना उनका काम है। अगर हमारे और आपके जैसे लोग समाज से बाहर निकलकर समाज के हित के लिए काम नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। और आज हम संगठन हमको प्रदेश महासचिव का दायित्व दिया है भावेश सिंह, आज दिल की आवाज पे एक बात आप लोग सबको बोलना चाहते हैं कि आप लोग अगर सिर्फ नहीं तो बहुत लोगों का नाम अभी याद नहीं है मुझे, पर मेरे छोटे भाई, मेरी सभी माताएं बहने जो इस आंदोलन में मेरे साथ कदम से कदम मिला के यहाँ तक आई, आज मैं इस मंच के द्वारा जनसंख्या फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष सुचिता जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे आदमी को समाज के लिए समय निकालना, हमको लगता है इससे ज्यादा मुश्किल आज के समय में किसी के लिए कुछ नहीं है होगा। आज 10, 20, 50 आदमी मिलके अगर दृढ़ इच्छा से अगर चाह जाएं कि इस आंदोलन का आवाज दिल्ली तक पहुंचाना है तो विश्वास कीजिए ये उतना भी मुश्किल काम नहीं है। स्टेज पर आकर अपनी दो बातों को हमारे बीच में रखने का कष्ट करें, जिनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम आज इस मुहिम तक पहुंचा है, मैं दीदी से निवेदन करता हूं कि अपनी बातों को दो बात रखें। जिस रेशियो में पढ़ रही है पढ़ी तो ना ये संविधान बचेगा ना हमारा कोई समाज बचेगा, इसलिए हम देखिए ये आवश्यकता ही पड़ी है तभी तो आंदोलन हो रहा है। अगर ये बातें आसानी से मन जाती तब तो मुझे नहीं लगता है कि आंदोलन की ज़रूरत पड़ती। जिस तरह बेतहाशा तरीके से आप जनसंख्या बढ़ रही है वो आप देख रहे हैं कि देश के संसाधन सीमित हैं और जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है सभी को सब चीज़ पूरे पाना बहुत मुश्किल है, और बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप के रूप में हमारे भारत देश के सामने आ गई है। उसी पर विगत 10 सालों से हमारे जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अनिल कुमार चौधरी जी हैं, जो 9 सालों से लगातार ये आंदोलन चला रहे हैं। उन्होंने जब डेटा खंगालना शुरू किया तो देखा कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हमारे लोग हमारे अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और तेज़ी से जनसंख्या भी बढ़ रही है। ये एक अलग समस्या होगा, एक तो जनसंख्यकीय असंतुलन और दूसरा ये बढ़ती हुई जनसंख्या, दोनों विषय हमारे भारत देश के लिए बहुत गंभीर विषय हुआ। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को चलाने का संकल्प लिया और गाज़ियाबाद से निकलकर ये आंदोलन आज पूरे भारत में चल रहा है। पिछले 5 सालों से मैं प्रदेश अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन झारखंड प्रदेश, लगातार 5 सालों से हम लोग यहाँ पर हर विश्व जनसंख्या दिवस पर हम ज्ञापन देने का काम माननीय डीसी महोदय जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक भेजने का काम कर रहे हैं और लगातार मांग उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में यथाशीघ्र कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनकर आए और सभी जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू हो। जागरूकता और आंदोलन, जागरूक हैं, बहुत लोग जागरूक हैं, लेकिन उस जागरूकता के साथ उनको बाहर निकल कर आंदोलन करना होगा, क्योंकि जागरूकता चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है, तब आज ये संगठन पूरे भारतवर्ष में बना हुआ है। बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं आज के समय में और वो मानते हैं कि ये सही है, तथ्यात्मक बात है। आज जनसंख्या असंतुलन का जो चल रहा है आप देख रहे हैं कि हम लोग प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, हम लोग आज एक अच्छा समाज
दो बच्चे तक सीमित रह गया है, चूँकि जानता है कि नहीं एक अच्छा समाज देना है, पढ़ाना है, लिखाना है। लेकिन अगर कुछ लोग इस मंशा के साथ जनसंख्या बढ़ा रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से हमको देश पे कब्जा कर लेना है, देश के संसाधन पर कब्जा कर लेना है, तो ये हर व्यक्ति का, हर सनातनी का, हर जो एक अच्छा समाज चाहता है उनका ये काम हो गया है। इसलिए जागरूकता लगातार फैलाया जा रहा है, हम लोग संगठन के माध्यम से इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और धीरे धीरे ये एक आंदोलन का रूप लेते जा रहा है। भावेश सिंह, प्रदेश महासचिव, झारखंड। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।